आज के इस वीडियो में हम सिंपली बनाने वाले हैं ये स्पिन इफेक्ट। ये इफेक्ट बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें चीज़ें मोशन में दिखानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से स्वागत है ग्राफिक अड्डा की एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली बनाने वाले हैं ये स्पिन इफेक्ट। ये इफेक्ट बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें चीज़ें मोशन में दिखानी होती है। तो इसके लिए हम कुछ ब्लर में छेड़छाड़ करेंगे, मास्किंग करेंगे, बाकी ये हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक नई इमेज। ये हमारी एक इमेज है, सिंपली कार है वो खड़ी है। तो इसको हमें ऐसा इफेक्ट देना है ताकि ये मोशन में लगे। तो हम सिंपली पहले इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। अब हम सिंपली इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लेंगे और इसकी आई क्लोज कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास दो लेयर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली लेयर पे ब्लर लगाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ ले लेते हैं इसको फिल्टर। हमें ब्लर गैलरी से ब्लर लेना है, ना कि ब्लर से। तो हम यहाँ ब्लर गैलरी पे जाएंगे, यहाँ स्पिन ब्लर लेंगे। तो ये एक नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे हमारा एक स्पिन रहेगा ब्लर का। तो हम इसी से यहाँ पे ब्लर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ सिंपली इसको व्हील के सेंटर में लगा देते हैं। ये अलाइन हो गया सेंटर से। अब हम इसको थोड़ा स्केल करेंगे। तो हम यहाँ कॉर्नर पकड़ के इसके स्केल करेंगे इसको। कुछ ऐसे ही स्केल हो गया है। तो हम इसको थोड़ा टायर से बड़ा रखेंगे, सिंपली ऐसा कुछ। यहाँ ये मोशन में दिख रहा है हल्का हल्का। हम यहाँ से ब्लर कंट्रोल कर सकते हैं कितना रखना है हमें। हम यहाँ थोड़ा 29 रख लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा लग रहा है ये मोशन में है, थोड़ा सा कम कर लेंगे, इतना ही इनफ है। तो हम सिंपली इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ये ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे ब्लर हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, फिर से हमें फिल्टर में जाना है, ब्लर गैलरी, इस बार पाथ ब्लर लेना है। अगर आपका टायर कुछ कर्व है, थोड़ा सा दिख रहा है, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। यहाँ से हम इसके एजेस पे लगाएंगे और यहाँ से इसको कर्व कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ से हम इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा कम, इतना काफ़ी है। हिट ओके। अब हमें क्या करना है, जो बाकी फेस पे ब्लर लग गया उसको इरेज करना है। तो हम यहाँ सिंपली स्मार्ट फिल्टर पे जाएंगे, ब्रश लेंगे, यहाँ हम इसका कलर ब्लैक रखेंगे, फ्लो थोड़ा कम कर लेंगे एंड सिंपली हार्डनेस भी थोड़ी कम कर लेंगे, साइज थोड़ा कम। हाँ, अब जहाँ पे हमें ब्लर नहीं चाहिए हम वहाँ इरेज कर देंगे, थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। ये इतना ठीक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से यहाँ ग्राउंड देख सकते हैं हम, ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये भी मोशन में होना चाहिए थोड़ा। तो हम यहाँ पे जो हमने लेयर कॉपी करी थी उस पे आ जाएंगे, आई ऑन करेंगे। तो यहाँ पे ये वापस से नॉर्मल इमेज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, फिर से ब्लर, ब्लर गैलरी और फिर से पाथ ब्लर। यहाँ पे फिर से ये एरो आ गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में ब्लर जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में गया ब्लर। सिंपली हम यहाँ पे इसको ग्राउंड के साथ अलाइन कर देंगे। कुछ ऐसे, अब ये ग्राउंड के साथ अलाइन हो गया है, यहाँ देख सकते हैं आप।
इसको थोड़ा इतना रख देंगे, हिट ओके। अब हमें क्या करना है, जो बाकी जैसे ये हमें टायर पे ब्लर देना था, ये दोनों अलग अलग इमेज है, हमें जो ये एक करनी है। इसके लिए आप सिंपली यहाँ से इरेज ना करके आपको यहाँ पूरी इमेज इरेज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें व्हील भी दिखाना है कि व्हील भी स्पिन हो रहा है, यहाँ पे वो इरेज हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ इस पर मास्क करेंगे, ब्रश ले लेंगे पहले, यहाँ इसको कंट्रोल आई कर देंगे इन्वर्ट के लिए। तो यहाँ पूरी इमेज गायब हो चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे, कलर वाइट करेंगे, थोड़ी हार्डनेस बढ़ा देंगे, साइज बढ़ा देंगे, फ्लो भी थोड़ा बढ़ा देंगे। अब हमें इसे ग्राउंड पे चलाना है, ये देखिए ग्राउंड पे इस तरीके से कुछ दिख रहा है। थोड़ा हार्डनेस कम करके हमें गाड़ी के एजेस पे भी चलाना होगा, थोड़ी और कम। हम यहाँ से थोड़ा फ्लो कम करेंगे, जो हमारी हाइलाइट्स है गाड़ी की, जो ज़्यादा चीज़ें चमक रही है गाड़ी की, वो हमें ब्लर रखनी है। पूरा ब्लर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ब्लर करना है। तो फिर से हम हार्डनेस फुल करके यहाँ ज़मीन पे चलाएंगे, थोड़ा सा फिर से हार्ड, फ्लो कम, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा फिर से हार्डनेस बढ़ा के टायर के पास थोड़ा, और बस इतना हो गया। आप इस पे ऊपर से कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है सिंपली। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आज से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।